याद रखनी है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, हीलियम का मास कितना होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, लिथियम का कितना होता है, 7 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, कार्बन का कितना होता है, ये तो याद हो चुका होगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 यूनिट्स, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यूनिट्स, ठीक है ना, और क्या ले लें, सोडियम का नहीं, हाँ सोडियम का कितना होता है, 23 यूनिट्स, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 यूनिट्स, हाँ ये एटॉमिक मास है। एल्यूमिनियम का कितना होगा, 27 यूनिट्स, एल्यूमिनियम का कितना होगा, 27 यूनिट्स, एल्यूमिनियम का कितना होगा, 27 यूनिट्स, ठीक है, फास्फोरस का याद रखना बेटा 31 यूनिट्स, सल्फर का याद रखना 32 यूनिट्स, फास्फोरस का कितना 31, सल्फर का कितना 32, क्लोरीन का याद रखोगे 35.5, क्लोरीन का कितना याद रखोगे 35.5, ठीक है ना, आर्गन का याद रखोगे 40, आर्गन का याद रखोगे 40, पोटेशियम का याद रखोगे 39, पोटेशियम का याद रखोगे कितना 39, कैल्शियम का ध्यान रखोगे कितना 40, कैल्शियम का भी कितना रहेगा यार 40, आ रही है क्या बात समझ में, इसके अलावा आयरन का याद रखना 56, आयरन का याद रखोगे कितना 56, और कॉपर का याद रखना 63, कॉपर का कितना याद रखोगे 63, ये सारे मासेस तुम्हें भी ध्यान में रखने, तुम्हें क्या करने अभी ध्यान में रखने, इवेंचुअली एज वी गो ऑन डूइंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में क्या होते जाएंगे। दी आप म्यूट पे हो, दी आप म्यूट पे हो, महारूल क्या बोलता है, पूछा कुछ भी हो, मैंने ऐसे पूछा कुछ भी हो मतलब आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछो या आपसे मास पूछा हो या फिर कुछ तो भी क्वेश्चन दे दिया हो, पूछा कुछ भी हो, हम तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ही निकालेंगे, जिस बच्चे ने ये महारूल समझ लिया उसके लिए मोल कंसेप्ट बड़ा आसान हो जाएगा, और जिसने ये रूल नहीं समझा उसके लिए मोल कंसेप्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि देखो अलग अलग तरीके के स्कूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के टीचर्स होते हैं और अलग अलग तरीके होते हैं मोल कंसेप्ट पढ़ाने, ठीक है ना,
मेरा बहुत सिंपल फंडा है, पूछा कुछ भी हो हम तो हमेशा नंबर ऑफ होल्स की निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स तुम्हें घुमाकर यूनिटरी मेथड पर लेकर जाएंगे जो तुम लोग क्लास सिक्स और सेवेंथ में पढ़ते हो, वो कंफ्यूज कर देता है, तुमने तो नाम भी नहीं सुना देगी, आ रही बात समझ में? इसलिए we'll go by a easy method, that is, पूछा कुछ भी हो हम तो नंबर ऑफ मोल्स ही निकालेंगे। तो मोल कंसेप्ट में या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर मास निकालने के लिए बोलेंगे, या कुछ भी और निकालने के लिए बोलेंगे। इन दैट केस पूछा कुछ भी हो हम तो हमेशा क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालेंगे। पर मुद्दा यह है, पूछा कुछ भी हो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो भैया ये तो बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने कैसे? तो मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो ही फॉर्मूले होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो ही फॉर्मूले होते हैं, पहला गिवन मास, ये क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, और इसकी या तो यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी, या फिर इसकी यूनिट होगी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यू, अपॉन में मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हेन आई से कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, या तो एटम्स होता है, या तो मॉलिक्यूल्स होगा, और ये बात समझ में, या तो आयंस होगा। इसकी कोई यूनिट होती है क्या? नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और ये बात समझ में। और क्या ये भी क्वेश्चन में देकर रखेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन में देकर रखेंगे। अपॉन में ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, अपॉन में हमेशा क्या आएगा, एवोगैड्रोस नंबर, अपॉन में हमेशा क्या आएगा, एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 × 10³, या फिर 6.023 × 10³। अगर किसी के दिमाग में मुद्दे उठे कि 2 कब लेना है और 2 कब लेना है, तो वो उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जिससे वो कैंसिल हो जाए आसानी से, जिससे वो डिवाइड हो जाए आसानी से। आई क्या बात समझ में? अब ये जो दो फॉर्मूले हैं, क्या ये आसान है? हाँ, क्या ये आसान है? हाँ, इसमें एक खास बात है, ये जो मोलर मास है और ये जो एवोगैड्रो नंबर है, ये पहले से ही दिया होता है, ये पहले से ही दिया होता है, क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो तुम्हें पता होता है। क्या मोलर मास तुम्हें पता होता है? हाँ, एवोगैड्रो नंबर एनीवे तुम्हें पता होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती नहीं है, ये हमेशा ही कितनी रहेगी, 6.023 × 10³। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? 22 या 23 से देखो, हमारे पास क्या बोला मैंने तुम्हें, मोलर मास पता होता है। सुनो, मोलर मास पता नहीं भी हो तो इतना लोड नहीं होता। अब इवन खेल करते हैं ना, तुम्हारी कॉपीज में तुमने सबने मोलर वो लिखे एटॉमिक मास, क्या तुम मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाल के दे सकते हो? बड़ा आसान है, एक कार्बन कितने का होता है, 12 का, एक ऑक्सीजन कितने का होता है, 16 का, तो दो ऑक्सीजन कितने के होंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32, तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 40। क्या ये आसान है? मतलब अगर तुम्हें CO2 दिख जाता तो तुम किसी से पूछते क्या इसका मोलर मास? नहीं, क्या खुद ही से निकाल लेते? हाँ, मैंने कहा चलो चलो बच्चों मुझे फटाफट H2O का मोलर मास निकाल के बताओ, झट से सौम्य बोला 18, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, 2 हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन कितने का होता है, 1 का, तो 2 हाइड्रोजन कितने के होंगे, 2 के, 1 ऑक्सीजन कितने का है, 16, तो ये क्या हो गया, 18। क्या ये आसान है? क्या ये बहुत आसान है? क्या हम सोच ले, ये तो हमें पता ही होता है,
कितना आसान है ये, बोलो हाँ। हाँ। क्या ये समझ में आया? हाँ। अब हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पहला ध्यान से देखना, अभी सब देखेंगे समझेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स रुक जाओ इन 7 grams ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, वन 36 grams of water, 12.044 × 10⁸ molecules of carbon dioxide, ठीक है, और last 3.011 × 10⁰ atoms of sodium। आ रही है क्या बात समझ में? ये है हमारे 4 questions। अब पहले मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो मुझे पहले 2 questions में क्या ग्राम दिख रहा है, क्योंकि मुझे जैसे ही पहले 2 क्वेश्चंस में क्या दिख गया, ग्राम दिख गया, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है गिवन मास वाला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे गिवन मास? गिवन मास मेरे पास कितना है? 7 ग्राम। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का? 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/2 या फिर 0.5 मोल। क्या ये कहानी क्लियर है? सुनो, सेकंड में अभी हमने हमने वाटर को बताया, हम लोगों ने क्या लिखा? H2O। वाटर का मास निकाला कितना? 18। तो 18 क्या हो गया इसका? मोलर मास। क्या हो गया इसका? 18 मोलर मास। ऐसे में सुनो, तुमको क्वेश्चन में गिवन मास कितना है? 36। मोलर मास कितना है? 18। तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 2। तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 2। इज दैट क्लियर? इज इट वेरी इजी? अब सुनो, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी तुमको ग्राम दिख रहा है? नहीं। क्या क्वेश्चन में तुम्हें कहीं पर भी एटॉमिक मास यूनिट दिख रहा है? नहीं। यानी कि यहाँ मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस दिए हुए। हाँ, क्योंकि ये दिए हुए तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 12.044 × 10⁸ अपॉन में 6.022 × 10⁰। तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ minus 23, that comes to 2 × 10⁵ moles. Okay. Similarly, जो अगला question भी दिया हुआ है, क्या यहाँ पे U दिया हुआ है? नहीं। क्या यहाँ पर G दिया हुआ है? नहीं। ना यहाँ पर U दिया हुआ है, ना यहाँ पर G दिया हुआ है। तो in that case, हम लोग कौन सा formula लगाएंगे? वापस से number of particles वाला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 3.011 × 10⁰, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ। अपॉन में क्या लगाएंगे? 6.022 × 10⁰, 23। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 टाइम, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो दैट कम्स टू 0.5 × 10⁷, दैट इज 5 × 10⁶ मोल्स। हानि कर रहे थे तो हम लोगों ने अभी तक क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स। अब जो हम कहानी करेंगे, सुनो, हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा?
हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा गिवन मास अपॉन में मोलर मास. व्हाट इफ अगर मुझे क्वेश्चन में वो लोग क्या दे दें गिवन मास. देखो ये तो हमें पता होता है, ये तो हमें पता होता है, तो ये तो निकालने के लिए देंगे नहीं, तो वो मुझे क्या निकालने के लिए दे सकते हैं मास. तो क्या मैं लिख दूं मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. क्या मैंने कोई गुनाह किया? क्या बस मैंने इसको उठा के इधर रख दिया? अच्छा सिमिलरली मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला है, जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर. यानी कि किसी दिन उन बेचारों ने मुझसे पूछ लिया कि आज पार्टिकल्स बता दो, तो क्या मैं उनसे लड़ूंगी? नहीं, मैं चुपचाप क्या करूंगी? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. क्या ये सही है? हाँ. क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ. क्या ऐसा ही करना है? हाँ. रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे. जब तक क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स देकर रखें तब तक तो लाइफ झिंगा लाला. अरे बुद्धि लगानी नहीं है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, यहाँ मोलर मास निकाल लेंगे, एवोगैड्रो नंबर तो निकालने की जरूरत नहीं होती, पता ही होता है, इजी पीजी. लेकिन व्हाट इफ मुझे नंबर ऑफ मोल्स न देकर रखा हो, तो निकाल लेंगे, व्हाट्स द बिग डील. जब मास पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स पता है कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर. आई बात समझ में? इनटू मोलर मास. क्योंकि देखो अगर मास पूछा है तो मास दिया नहीं होगा, और अगर मास नहीं दिया है तो क्वेश्चन